अरे कितना दिन से खाना ना बनता है? खाना यहाँ बनता है कि नहीं? दस दिन से खाना कई दिन से प्राथमिक विद्यालय में नहीं बन रहा मिड डे मील, पूछने पर लगाया जा रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भरसानी स्थित प्राथमिक विद्यालय पर पिछले कई दिन से मिड डे मील नहीं बन रहा है। हालात ये हैं कि कुछ बच्चे दोपहर में खाना खाने के बहाने अपने घर चले जा रहे हैं। इस संबंध में बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें कई दिनों से मिड डे मील नहीं मिल रहा है, हम लोग घर खाना खाने जाते हैं। इस संबंध में जब हेडमास्टर उमेश चंद पांडे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मिड डे मील का भुगतान न होने और राशन न होने की वजह से खाना नहीं बन पा रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि वो घर नहीं रहते हैं और हस्ताक्षर नहीं करते जिससे भुगतान नहीं हो पाता है, इसी वजह से मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। ग्राम प्रधान नीरज यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हेडमास्टर हस्ताक्षर के लिए हमारे पास कभी आए ही नहीं। बीते दिनों हेडमास्टर के पुत्र दो बार हस्ताक्षर करवाने आए थे, हमने हस्ताक्षर करके उन्हें दिया था। जबकि स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हेडमास्टर के स्कूल आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, जब उनकी मर्जी होती है तो स्कूल आते हैं, जब मर्जी होती है तो नहीं आते। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के पास हेडमास्टर साहब आज तक हस्ताक्षर करवाने आए ही नहीं। ग्रामीणों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में ही नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मिड डे मील और पठन पाठन के बारे में हेडमास्टर से पूछने पर वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। मामले की सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसमें नुकसान बच्चों का हो रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि मामले की जांच एआरपी से कराई गई है, जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं ग्रामीणों और बच्चों ने क्या कहा। राजू कुमार की यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। सुरेंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले? बरसानी। बरसानी, आपके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10 दिनों से मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि मिड डे मील नहीं मिल रहा है। तो आप लोग चूंकि गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, आप लोगों को इस बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए। क्या जानकारी तो है? देखिए, हेडमास्टर का ना आने का समय है ना जाने का समय है। विद्यालय के 9 बजे का समय 11 बजे आते हैं, आकर के भी साइन वाले कहाँ फरार हो जाते हैं। और जहाँ तक मिड डे की बात है, मिड डे मील की बात है, देखिए बच्चे यहाँ पे नामित कुछ और हैं, ऑरिजिनलिटी बच्चों की कुछ और है, जबकि स्टाफ यहाँ पे 7 हैं, 5, 2 सहायक, 4 सहायक, 1 हेडमास्टर, 2 शिक्षा मित्र, कुल मिला के 20 बच्चे ओरिजिनल हैं, और जो भी 60-70 बच्चे नामित हैं, ये फर्जी तरह से विद्यालय चला रहे हैं। उनसे सूची मांगी जाती है, विद्यालय की सूची दे दीजिए बच्चों की, कितने विद्यालय हैं, ताकि ग्राम सभा वाले जाने हमारे विद्यालय के बाहर के विद्यालय आप नामित किए हैं, ये देने से इनकार कर जाते हैं, और जब 80 बच्चे लगते हैं मारपीट उतार हो जाते हैं मास्टर। अच्छा, ये बताइए मिड डे मील नहीं मिल रहा है तो आपने कभी जानने की कोशिश की क्या वजह है? वो झगड़ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, कोई अभिभावक आता हो कहने तो विद्यालय मालिक कहते हैं हाँ तुम लोग कौन होते हो, अच्छा पढ़ाना तो पढ़ा अपने बच्चों को हटा दो। इसीलिए हमारी एक बच्ची हमारी पढ़ती थी पिछले प्रधानी में, इसी तरह लफड़ा हुआ था, ये 2 बोरी राशन अपने घर उठा ले गए थे, अच्छा वहां से हम लोगों ने मंगवाया राशन, अच्छा हमने अपने बच्चों के यहाँ से निकाल दिया, हमने कौन लफड़ा करे। अब 20 साल से रोजाना ये ऐसी घटनाएं बराबर होती है, कभी विद्यालय समय नहीं आते हैं। अभी आप इसमें चोरा के राशन रखे, आप इसको अभी खोलवाए, आप दिखा हम लोग दिखा दें राशन रखे कि नहीं रखे हैं। सही, अपने ऑफिस में रखे हैं राशन है। उसके बाद बसंता राज, कहाँ घर है? बरसानी। अच्छा, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, मतलब जो खाना मिलता है बच्चों को वो मिल नहीं पा रहा है, तो कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? चूंकि आपके बच्चे भी हो सकता है पढ़ते हैं, कितनी समस्या हो रही है? 5 में है। कितनी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? चूंकि दोपहर में खाना नहीं मिलता तो आपका बच्चा मैं पूछता हूँ घर में जाके खाना बना था नहीं, अच्छा पिछले वाली किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? इसमें दोषी कौन है? दोषी जो स्कूल चला रहा है मास्टर है, और कौन हो? हेडमास्टर मालिक वही ना है। मास्टर साहब तो कहते हैं कि प्रधान जी के आम जाते हैं तो प्रधान जी जो है हम कहाँ काम को खोजे, उनको रोका गया था, आप बातचीत करने के लिए चले गए, अच्छा विद्यालय चल रहा है उसके पहले वो निकल लिए, उनको रहना चाहिए था ना, नहीं है मौके पे। अभी हम लोग पूछते भाई क्या समस्या है? अभी आपने पूछा नहीं कि मास्टर साहब खाना क्यों नहीं बन रहा है स्कूल में? नहीं पूछे थे, घर बच्चे से पूछे थे, बच्चे से पूछे थे खाना वाना बनता है? मास्टर साहब से नहीं पूछे क्यों नहीं बनता है? नहीं इनसे भाई नहीं। अच्छा ठीक। आपका? साहिल। कहाँ के रहने वाले हैं? तेजापुर। तेजापुर, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? भरसानी।
कक्षा कितने पढ़ते हैं? पाँच में पढ़ते हैं। अभी स्कूल पढ़ने आए हो? जी। तो यहाँ स्कूल में मुझे ऐसी शिकायत मिल रही है कि काफी दिनों से खाना नहीं बन रहा है दोपहर में। जी। खाना यहाँ बनता है कि नहीं? नहीं। कितने दिन से नहीं बन रहा है? तीन चार दिन से नहीं बन रहा है। मुझे अभी जानकारी लोग दिए हैं कि 8-10 दिन से नहीं बन रहा है। कितने दिन से नहीं बन रहा? सही बता रहे हो, 3-4 दिन से ना? तीन चार दिन से नहीं बन रहा। तो इसके बारे में कभी आपने कहा नहीं अपने मास्टर साहब से कि साहब हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है? जी कहे। क्या कहते हैं मास्टर साहब? जी थोड़ा कह रहे, कारण बने जब आए राशन। अच्छा, राशन आएगा तब बनेगा। ठीक। कहाँ घर है? बरसानी में घर है। अच्छा, ये स्कूले सब अथवा कहा इतना सवेरे अथवा छुट्टी कै बजे बोले? 3 बजे छुट्टी बोले। तो कहा अब्बा अथवा 12 बजे 12:30 बजे? अच्छा, स्कूले में खाना ना बनल है? तो कहा कब से ना बना था खाना? से देने। अरे कितना दिन से खाना ना बंद था? 10 दिन से खाना ना बंद था। तब तक तो लोगों ने रोज अब थोबा इसे घरे खाना खाए भागी अब थोबा छुट्टी मैंने दोपहर में तो खाना खाए जा थोबा खाना खाए फिर स्कूले जाबा नहीं। ना जीबा मतलब 12:30 बजे तक रोज ऐसे पढ़ाए ला लोगों 12:30 बजे तक गुरबा चलिए वाला अब बयान से लेन चले के बा। अच्छा, बयान से ले खाना लेके जाइबा। छुट्टी है। अच्छा ठीक, चला ठीक है। कहाँ घर है? कंसर्वेटिव बरसानी। तो ये बतावा तो लोगों ने अब्बा इतना सवेरे कहाँ घर जाता हूँ? 10 दिन से खाना ना बन रहा। खाना ना बनता है तो 10 दिन से ऐसे भाग जाता हूँ लोगों दोपहर के बेला घरे रोज भाग जाला ना? हाँ सही सही बताया, झूठ मत बोला, रोज भाग जालू। अच्छा तो सर जी ना कहलू कि सर जी कहाँ खाना ना बनत है? राशन ना मिलता बना बन तो बतावे ना वो सर जी बतावे ना? चला ठीक। कहाँ घर है? गांव का नाम बतावा। बरसानी। तो स्कूले से पढ़ के बतवा कहाँ के अब इतना सवेरे बतवा 12:30 बजे खाना ना मिल? तो कब से ना मिला था खाना? ही कब अपने मास्टर साहब से ना पूछा ला कि साहब कहाँ खाना ना मिला था? ना पूछा ला। चला ठीक। नाम है आपका? उमेश चंद पांडे। अपना क्या है यहाँ पर? प्रधान अध्यापक के पद पर। किस स्कूल में है? प्राथमिक विद्यालय भरसानी, शिक्षा क्षेत्र रौलिया जिला आजमगढ़ जी। अच्छा सर, यहाँ पे जो है पिछले कई दिनों से ऐसे मुझे शिकायत मिल रही है कि मिड डे मील नहीं मिला, क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रही है? वजह इसमें है साहब ऐसा कि जिसे यहाँ प्रधान जो है वो लड़का है, जीता हुआ है जो। अच्छा, इसके पहले हमारा जो प्रधान थे तो कहे कि पंडित जी आप बनवा रहे हैं भोजन वोजन, हम पता लगा लिए कि आप अच्छे से बनवाते हैं मेनू अनुसार और शिकायत नहीं है, आप ये कल करके आप बनवाइए, हम संयुक्त नहीं करेंगे। तब से हमारा ये कल चल रहा था खाता। हम भोजन ईमानदारी से साहब यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं स्टाफ के जी, बच्चे हैं, रसोईया है, मैं जो जिसे सोमवार को रोटी सब्जी फल रहता है जी, रोटी सब्जी मैं फल देता हूँ, फिर दूध है बुधवार को तहरीर दूध, जो मेनू अनुसार रहता है हम भोजन बनवाते हैं, लापरवाही नहीं, ईमानदारी के साथ, और न हम एक पैसा के राशन बेचते हैं और न जिसे यहाँ 35-56 में 35, 37, 36, 32, 30, 32 ये बच्चे आते हैं 56 में, बाकी 20 बच्चे जो है लगभग इस समय तो कम है, भोजन नहीं बन रहा, बच्चे नहीं आ रहे हैं कुछ, तो 20, 18, 20, 15, 18 ये आंगनबाड़ी जो है बच्चे खाते हैं, तो 55 खिलाते हैं बच्चों को, हम भोजन कराते हैं, और 30, 35, 32, 30 ये रजिस्टर पे चढ़ता है लखनऊ MDM में, जो फोन आता है सर हम वहाँ दबाते हैं। अच्छा सर, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ पिछले कितने दिनों से खाना नहीं बन रहा है? और देखना ही है कि जो है BFC साहब के जो है रजिस्ट्री कर ली नहीं, आप रजिस्ट्री किए हैं वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पिछले लगभग 10 दिनों से या कितने दिन से खाना नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट बताइए। हाँ बता रहा हूँ, 23 तारीख से खाना नहीं। हाँ 23 तारीख से 22 तक जो हम भोजन बनवाए हैं और पिछले अक्टूबर से, तो जो यहाँ मौके पे जब ये खाता ये प्रधान जब ये दूसरा हुए हैं तो वो लड़का है वो अपना इलाहाबाद पढ़ता है, अब सर कहाँ रहता हम नहीं बताएंगे, उनके पिता हैं वो जो है ये चपरासी के थ्रू अमीन उमीन के कैसे हैं उधर, तो प्रधानी वाला भी वो यहाँ जो है अपना वही देखते हैं,
तो वो जो हम कहे एडीआई साहब आए रविशंकर यादव उस समय मौके पे, तो हमको बुलाए तो हमने उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि प्रधान जो इनका लड़का है रहते नहीं है, हमारे मौके चेक पे एमडीएम रजिस्टर पे साइन नहीं हो पाएगी और किसी कागज पे हम परेशान होंगे, हमारा खाता मत करवाइए संजोग दिन से, कैसे कि ये रहते हैं अपना इधर उधर और मारने पीटने जब से इनके पास गए दो एक बार बुलाए वहाँ और फिर इधर उधर कहवाए सबसे कि और हमसे डायरेक्ट वहाँ रोक के कहे कि यहाँ चले जाइए नहीं तो मार के भगा देंगे हम। अच्छा तो हम साहब क्या करिए, बार बार जाए मार खाए तो रविशंकर यादव एसडीआई जो खर्ची अधिकारी वो कहे कि नहीं पंडित जी एकल खाता कराइए, अगर यह नहीं करेंगे चेक पे दस्तखत परेशानी करेंगे तो हम खाता आपका एकल फिर कर देंगे, हम तो रहेंगे ना। अब वो सर चले गए, फिर आए एक जगदीश यादव खंड शिक्षा अधिकारी, फिर अगस्त से हम अप्लीकेशन कार्यालय में अपना दे रहे हैं, भोजन भी बनवा रहे हैं इधर, अप्लीकेशन भी देते जा रहे हैं बराबर। अच्छा, देखिए सब बात किया इस संबंध में प्रधान जी से बात किया, बहुत बात किया हमने प्रधान जी से इस संबंध में पूछा है फोन करके, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कभी आते ही नहीं है मास्टर साहब, नहीं ऐसा है कि साहब अब साइन करवा बदे हम जिसे अब कहा थे कि अब रसोईया भेज दी या क्यों भेज दी, अरे अगले बाद विद्यालय में अभी कुल रजिस्टर एमडीएम को हर चीज लेके और फिर हम बाहर में घूमी पीछे पीछे एक बाद दो पंचायत भवन बता रहे हैं बैठे हैं ना, यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता, वो केवल हमको परेशान करने के लिए प्रताड़ित लोग कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी प्रधान भी। एक साल से हमारा पैसा और लगभग साल भर से हम बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं कार्यालय में, एप्लीकेशन का कोई महत्व नहीं कहाँ जा रहा, तो हमारे अधिकारी मौके खंड शिक्षा अधिकारी है, पहले हम इनको देंगे ना, तो इनको बार बार दे रहे हैं, तमाम एप्लीकेशन है तमाम देखल जाए जो उन बाय करे बात कुल मिलाकर के इसमें अधिकारियों की गलती की वजह से मिड डे मील नहीं। हाँ देखल जाए बीएससी साहब के, फिर हम 22 तारीख के रजिस्ट्री कैली और एक बाद तब जाए कि हम 23 तारीख भोजन बंद कर लिए, यहाँ भी दहली मीटिंग में एसडीआई के खंड शिक्षा अधिकारी के तो कहे कि यहाँ दिए थे कभी, अरे हम कहे सर यहाँ आप लोग बराबर चार्ज में यहाँ कोई नहीं रह रहा है, पारी पारा आ रहे हैं तो हम यहाँ दे रहे हैं साल भर से एप्लीकेशन, ये मैटर चल रहा है, अब आप लोग नहीं ध्यान दे रहे तो हम क्या करें, और इसलिए हम मजबूर हो गए भोजन अब कितना खिलाएंगे, साल भर से हम खिला रहे हैं और फिर जो है पैसा अच्छा उधर कोटेदार है देखल जाए, कोटेदार ये जो है 30 नवंबर 16 अगस्त से 30 नवंबर तक राशन जो है उठा था इधर 1.45 आवंटन 50 kg विद्यालय को दिया गया, तो एक बोरी हमके दहने गेहूं। अच्छा एक बार फिर देखें 95 किलो कोटेदार राजपति के यहाँ अवशेष है, एक बोरी 45 किलो जो है गेहूं अवशेष है उनके यहाँ ना देते हुए, एक बार है देखें 2 बोरी 17 किलो अभी 16 अगस्त से 30 नवंबर तक कई राशन 4 महीना का लाल उठान भर लाल है, कार्यालय से ही हम हर स्कूल के जिसे उठान कितना भर है तो अवाल गोदाम से न तो हमें सब दिखाऊ ना, तो वहीं से हम खाली हमार नोट कर दे हमें अच्छा। 3 बोरी चावल और 1 बोरी गेहूं दे लो है 4 बोरी, तो फिर बच्चों को भोजन और जो हाँ बंद रहेगा तब हाँ अब जो है जब तक ये लोग नहीं कोई फैसला आप करेंगे बताइए तब हम कहाँ से अब सब फल वाले दूध वाले किराना वाले सब मांग रहे हैं साल भर से सब अधिकारी और प्रधान मिल करके हमको प्रताड़ित कर रहे, देखिए सब साल भर से बहुत एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ देख लीजिए सब।